देश की ए प्लस ग्रेड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में निष्कासित किए गए छात्रों की बहाली की मांग को लेकर छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बता रहे 7 विद्यार्थी पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वही विश्वविद्यालय प्रशासन खासकर कुलपति केसी शर्मा ने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन लगता है इस बात की उन्हें कोई परवाह नहीं। पिछले आज में 7वां दिन हो गया, हम यहाँ अनशन पे बैठे हैं। ना तो वीसी सर यहाँ आए हैं, ना रजिस्ट्रार मैडम आई है। कल रात को चीफ वार्डन और डॉक्टर आए थे, उन्होंने अपील की थी कि आप खत्म कर दो, हम एक दो दिन में आपका ये बैन ही हटा दें। लेकिन हमने उनको ये बोला कि सर आप लिखित में दे दो, हम आते आते हमारे अनशन को ख़त्म कर दो। लेकिन ना उन्होंने लिखित में दिया और ना हमें उनकी जबान पर भरोसा है कि वो जो बोल के जाएंगे वो करके दिखाएंगे। तो इसीलिए आज हमारा आंदोलन का 7 दिन है और हमारा और हमने आज का टाइम उनको और दिए। अगर वो कल सुबह 11 बजे भी इस बात का नहीं निर्णय लेते हैं, हमारा बैन नहीं उठाते हैं, तो फिर अगर ये आंदोलन उग्र होगा तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा, ना कि विद्यार्थी। फरवरी महीने के अंदर विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय के अंदर जो 14,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनकी बेसिक डिमांड थी पानी दिया जाए, हॉस्टल के अंदर मैच सर्वेंट चार्ज खत्म किया जाए। हम यहाँ फीस दे रहे हैं 14,000 रुपए, हमें टाइम पे टीचर उपलब्ध हों, हम फीस दे रहे हैं यहाँ तो हमें लैब के अंदर सामान मिले। इन समस्याओं को लेकर विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे और 28 तारीख को जब प्रदर्शन कर रहे थे, 14 तारीख को जब प्रदर्शन कर रहे थे, 2 बार लाठीचार्ज हुआ और 44 विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद हम 1 तारीख को शव यात्रा निकालते हैं तो उस परिसर में आके वार्ता तो हो जाती है, करीब 4 घंटे वार्ता चलती है। कुछ मांगों पर समझौता हो जाता है, कुछ पे नहीं मनता। और इसी दौरान जब होली की छुट्टी पर विद्यार्थी घर जाते हैं तो विद्यार्थियों को रेस्टिगेट किया जाता, होली के नाम पे एक तोहफा विद्यार्थियों को दिया जाता। और जो 19 विद्यार्थी रेस्टिगेट किए गए वो सभी संगठनों के मुख्य पदाधिकारियों को टारगेट करके ये रेस्टिगेट किया गया कि हम विद्यार्थी के अंदर कोई बोले ना, अगर यहाँ किसी को पेट दर्द है वो भी ना बोले। ये चुप्पी साधने वाला काम प्रशासन कर रहा है कि अधिकारों के सवालों पे यहाँ कोई विद्यार्थी ना बोले, आवाज दबाने का काम केयू के प्रशासन कर रहा। जब इसको लेके बार बार हम प्रशासन से मिल रहे हैं कि रेस्टिगेट बाल किया जाए तो एक मीठी गोली विद्यार्थियों की जाती है। जानकारी के मुताबिक अपनी कुछ मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के 19 छात्रों को होली से एक दिन पहले निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि कुरुक्षेत्र की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं उनका समर्थन जरूर कर रही हैं, मगर दिन प्रतिदिन भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है और यूनिवर्सिटी प्रशासन अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। इंडिया एक्सप्रेस के लिए कुरुक्षेत्र से भारत साबरी की रिपोर्ट।